हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कंडेंस मिल्क की। इसके लिए जो मैंने मिल्क लिया है वो फुल फैटनी मिल्क है। वो कम से कम इस प्याले के करीब मैंने 2 प्याले या हाफ प्याला, जो एक पूरा प्याला और एक हाफ प्याला इसमें डाल दिया है, क्योंकि मुझे इतनी ही को बनाना था, इतनी ही की ज़रूरत। और अब मैंने इसको तेज़ आँच पर रख दिया, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं चीनी ऐड करी, ऐड करने के बाद इसमें आप हल्का हल्का चम्मच चलाइए और चीनी को और अच्छी तरह से घुलने दीजिए ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए, जैसे कंडेंस मिल्क का होता है, और थोड़ा सा ये दूध भी थिक हो जाएगा। आपको पता है चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसको आप पकने दीजिए इसी आँच पर। बस हल्का हल्का स्पून चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। और इसमें आखिर में मैं डालूँगी और पिंच सा थोड़ा सा जो है खाने का सोडा, वो मैं आपको बता दूंगी कितना डालूंगी, लेकिन अभी मैं इसको पकने दूंगी इस आँच पे। आप इसको अच्छे से पकने दीजिए, थोड़ा सा ये येलो सा यानी कि क्रीमी सा इसका कलर येलो सा हो जाएगा, इसको पकने दीजिए। कम से कम 10 मिनट्स ये लेगा, थोड़ा दूध की मकदार भी कम हो जाएगी और पानी भी जो है उड़ जाएगा इसमें से। फ्रेंड्स, मैंने इसको काफ़ी देर तक मैंने बिल्कुल 0-0 आँच पर पकाया है और अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी कम हो गया और जो मुझे कलर चाहिए था, जो थिकनेस चाहिए था, वो ये आ गई है इसमें। और अब मैंने इसका देखें चूल्हा बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब इसको मैंने 2 मिनट दिए, अब मैं इसके अंदर खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा है, वो डालने लगी हूँ। बेकिंग पाउडर ये मैं डालूँगी, देखिए थोड़ा सा ही डालूँगी और इसको मैं चलाऊँगी। एक दिन झाग पैदा होंगे, देखें देखें झाग पैदा हो रहे हैं इसमें। इसमें आपको उसको चलाना है अच्छे तरीके से। कंडेंस मिल्क जो है ख़ुद भी बाज़ाहिर जो है आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए होती है इसको पकाने के लिए, क्योंकि दूध जो है और चीनी अच्छी तरीके से पक्की, देखें कितना दूध था ऊपर तक था भरा हुआ पहले, लेकिन अब इसको मैंने इतना पकाया कि दूध कम हो गया और उसका रंग भी थोड़ा येलो सा हो गया। और अब कंडेंस मिल्क के लिए मैंने चूल्हा बंद करके इसमें ये डाला, तो उसमें अब देखें थिक और हो गया है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल कंडेंस मिल्क की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जैसे उसका कलर होता है, और वो बिल्कुल ये स्वीटन कंडेंस मिल्क है। इसके लिए जो आपको पेशेंट की शदीद ज़रूरत होती है, वो क्या कहते हैं, ये बहुत देर देता है। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकाया, दूध को, चीनी को और दूध को अच्छे तरीके से। अभी आप देख सकते हैं इसको इसी तरह चलाते रहें, ये देखिए। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब आप इसको बस ठंडा होने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर और चला के। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनता है, क्योंकि झाग इतना नहीं बना है, इट मीन्स कि ये सही मेरा बन गया है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, आप चाहें तो इसको नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं, उसमें ये हो कि आपका जो नीचे चीनी है और दूध है वो लगेगा कभी नहीं। वैसे तो इसमें भी बन सकता है, मैंने इसमें बना दिया, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है, देखें यही इसकी थिकनेस है। और मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है, आप चाहें तो इसको ठंडा करके इस मैंने इसमें जार में रखना है और उसके बाद इसको मैंने फ्रीज़ कर देना है नीचे वाले पोर्शन में। आप फ्रीज के इसको रख सकते हैं, कई दिन तक चला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो चम्मच है, गंदा चम्मच है, वो उसमें डाल के नहीं रखना, यानी कि वही चम्मच बार बार यूज़ नहीं करना है, इसको अलग से रखना है। अगर यूज़ करने के बाद चम्मच को दोबारा नहीं डालना तो ये आपका काफ़ी दिन चल सकता है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी सिंपल सी कंडेंस मिल्क की रेसिपी समझ भी आई होगी, शेयर भी करेंगे आप, लाइक भी करेंगे और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की रेसिपीज़ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं और थोड़ी सी मैं बिज़ी थी इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी पूरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं फ्री हूँ और आज मैंने कंडेंस मिल्क बनाया है और आज मैं इसको शेयर भी करूँगी। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माई नेम इज़ मारिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।